हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर बॉट में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, बॉट फैक्ट्स के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को जानेंगे। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना करी थी और बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की जानी मानी टेक कंपनियों में से एक है और ये वही कंपनी है जिसके दम पे बिल गेट्स जो है दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। तो दोस्तों, इस कंपनी के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को आज हम जानते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का पुराना नाम माइक्रोसॉफ्ट था, यानी माइक्रो अलग और सॉफ्ट अलग। बाद में इस कंपनी का नाम चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट रख दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये बात कोई नहीं जानता, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की जो शुरुआत थी वो न्यू मैक्सिको से की गई थी। बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट के लोगों को डिज़ाइन करने में पूरे एक दिन का टाइम लिया था। दोस्तों, ये इतिहास गवाए 1987 में बिल गेट्स को 31 साल की उम्र में सबसे छोटे खरबपति बनने का अवार्ड मिला था। लेकिन इसके बाद बिल गेट्स ने 1995 में वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, वो भी माइक्रोसॉफ्ट के दम पे। माइक्रोसॉफ्ट ने एक आदमी को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाया है, दो आदमी को खरबपति बनाया है और 12,000 लोगों को अरबपति बनाया है, जो कि अभी तक ये रिकॉर्ड माइक्रोसॉफ्ट के नाम पे है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। दोस्तों, आपने माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल्स। लेकिन दोस्तों, आप सभी को ये नहीं पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट के पास 48,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैक्ट है और सच्चाई है। जैसा कि दोस्तों आपने एप्पल कंपनी का नाम तो सुना ही होगा। दोस्तों, 1997 में एप्पल जो है दिवालिया घोषित होने वाली थी। लेकिन दोस्तों, उस टाइम माइक्रोसॉफ्ट ने एप्पल में $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था और ये बात कोई भी नहीं जानता है। जैसा कि दोस्तों आपको ब्लिस वॉलपेपर तो याद होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वॉलपेपर विंडोज़ XP का वॉलपेपर है और ये इतिहास में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला वॉलपेपर है, वो भी ये माइक्रोसॉफ्ट के नाम पे रजिस्टर्ड है। कंप्यूटर स्टार्ट होने पे जो 6 सेकंड तक की आवाज़ आती है उसे ब्रायन ईमो ने बनाया था। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है, स्टार्टिंग में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऐड को जो है बिल गेट्स खुद करते थे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने टाइमैक्स के साथ मिलकर एक पहली स्मार्ट वॉच तैयार करी थी, जो कि 1994 में लॉन्च की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल ऐप को हर कोई यूज़ करता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और इस एक्सेल सॉफ्टवेयर ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है, माइक्रोसॉफ्ट का जो कैंपस है वहाँ पे जो फेवरेट फूड है वो है पिज़्ज़ा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, आप सभी को पता होगा, उनको जो है सॉफ्टी बोला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फ्री में माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए दिए जाते हैं। दोस्तों, एक फैक्ट आप सभी को नहीं पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट का जो कैंपस है वहाँ पे छोटे छोटे खरगोशों की भरमार है। मेडिना वाशिंगटन में जो मौजूद बिल गेट्स का जो घर है उसकी कीमत तकरीबन $123 मिलियन है। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं बिल गेट्स, उनको बिजनेस मैग्नेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी तरीके से जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके पास 16 अलग अलग तरीके के बिजनेस है और माइक्रोसॉफ्ट का जो बिजनेस है वो $1 मिलियन से भी ज़्यादा का बिजनेस है। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 3.0 1990 में लॉन्च किया था, लेकिन उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया था। ये भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। दोस्तों, आपको वैसे तो पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट जो है सॉफ्टवेयर के नाम पे बहुत बड़ी कंपनियों में गिनती होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप सभी ये बात जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का जो पहला प्रोडक्ट था वो माउस था, जो कि 1983 में मार्केट में आया था। दोस्तों, क्या आप सभी को ये बात पता है, यदि आपने माइक्रोसॉफ्ट स्टॉक के एक शेयर पे IPO से $21 में अगर ख़रीदा था तो आज उसकी कीमत $15,000 होगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, सन 2002 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर एक टैबलेट PC को लॉन्च किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने सन 2010 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ फोन 7, सन 2012 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ फोन 8 और सन 2015 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए। माइक्रोसॉफ्ट ने अब तक 150 से ज़्यादा कंपनी खरीद ली है, उसमें बड़ी कंपनियों में शामिल है माइक्रोसॉफ्ट का, जैसे स्काइप हो गया, नोकिया हो गया, लिंक्डइन जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। सन 2001 में कंपनी ने पहली बार गेमिंग कंसोल एक्सबॉक्स को लॉन्च किया था, लेकिन बाद में कंपनी ने इस कंसोल का नाम चेंज करके Xbox 360 मार्केट में उतारा था। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने
29 जून 1987 को माइक्रोसॉफ्ट ने पहली कंपनी खरीदी थी जिसका नाम था प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। दोस्तों जैसा कि आप सभी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, ये वही कंपनी है। बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इस कंपनी का नेम चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट रख दिया था। 31 दिसंबर 1997 को माइक्रोसॉफ्ट ने हॉटमेल को $500 मिलियन में खरीदा था। दोस्तों बिल गेट्स ने 13 जनवरी सन 2000 को अपनी सीईओ की पोजीशन अपने कॉलेज के फ्रेंड स्टीव बाल्मर को दे दी थी। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का जो आउटलुक ईमेल है वो तकरीबन 400 मिलियन यूजर्स से भरा हुआ है, जिसमें एक्टिव यूजर्स मिनिमम 400 मिलियन यूजर्स हैं। और दोस्तों ये सबसे सिक्योर मेल कहलाता है माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ग्रेट प्लेस ऑफ वर्क इंस्टीट्यूट ने सन 2011 में माइक्रोसॉफ्ट को सबसे बेहतरीन ऑफिस के लिए नंबर वन अवार्ड दिया था। दोस्तों ये थे कुछ माइक्रोसॉफ्ट के अमेजिंग फैक्ट्स। इन फैक्ट्सों में से आपको सबसे अच्छा फैक्ट्स कौन सा लगा मुझे कमेंट करके आप बताइए। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो अच्छा ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक करिए। दोस्तों आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।